मैया के लगड़बग्गे और पापा की पोयो को मेरा सप्रेम नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर एनिमल किंगडम का सातवां लेक्चर ऑन एनेलिडा। चलिए शुरुआत करते हैं। एनेलिडा, एनेलिडा जो होते हैं वह आपके एक्वेटिक रहते हैं। एक्वेटिक रहना यानी फ्रेश वाटर और मरीन वाटर दोनों रहते हैं, और टेरेस्ट्रियल भी रहते हैं। मतलब वो फ्रेश वाटर, मरीन वाटर और झाड़ टेरेस्ट्रियल यानी अपने जमीन पे भी पाए जाते हैं, यानी सब जगह पाए जा सकते हैं, है ना। एफ एंड एन का मतलब, एफ मतलब फ्रेश वाटर, एन मतलब मरीन वाटर, ठीक है ना। फ्री लिविंग पैरासाइटिक ये दोनों रहते हैं। ये या तो फ्री लिविंग भी रह सकते हैं यानी अपने 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 आप पे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट मोड ऑफ न्यूट्रिएंट करेंगे, या ये पैरासाइटिक भी रह सकते हैं, है ना। तो ये फ्री लिविंग और पैरासाइटिक दोनों मोड में रहते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अपन ने जैसा देखा था कि भाई जिस तरह से एस्केरमेंटिस में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहली बार आई थी, तो अगले एनलेड में तो आना अनिवार्य है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगी इसमें। बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री यानी जिस तरह से अपन ह्यूमन बॉडी की सिमेट्री रहती है, कि आप समझ लीजिए एक मुंडका ले लीजिए, उसकी ये नाक है, ये दो आंख है, ये इसके होठ है, तो आप इसका ऐसा इसको कट कीजिए, ये राइट और लेफ्ट इसमें से दो कट हो जाएगा, है ना, राइट और लेफ्ट इसमें दो कट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से कट करेंगे तो वो इक्वली कट नहीं होगा, समझिए इस बात को। अगर आप उसको कुछ इस तरह से कट करेंगे तो इक्वली कट नहीं होगा, है ना। तो आपको कुछ इस तरह से कट करना पड़ेगा कि वो इक्वली कट हो जाए और इक्वली डिवाइड हो जाए। इसी को हम कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक रहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक रहना यानी एक्टो एक्सोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, एक्सो एक्टो मीजो, शब्दों को बहुत ध्यान से देखिए, सीक्वेंस चुकी तो आंसर चुक जाएगा। एक्सो बाहर, एक्टो बीच में, मीजो अंदर, है ना जी। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इस पॉइंट को, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए लिखा नहीं मैंने इस पॉइंट को ढंग से। तो ये तीन पॉइंट अपन ने देख लिए। सिलेमेट रहते हैं, यानी सबसे पहले सिलम का आना एनेलिड में था, एनेलिड में ही सबसे पहले सिलम आया था। सिलम यानी एक प्रॉपर फूड के लिए कैविटी बनी थी इसमें, है ना, सिलम उसको कहते हैं, है ना। तो सिलेमेट सबसे पहले एनेलिड में आया था। प्रेजेंस ऑफ स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एनलस, आपका जो एनेलिड रहता है उसमें से रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहती है, उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को अपन एनेलस कहते हैं, उसको हम एनेलस कहते हैं। उस पूरी बॉडी में रिंग लाइक स्ट्रक्चर रहती है, उसको अपन क्या कहते हैं, एनेलस कहते हैं। इसलिए अपन इस जीव को एनेलिडा कहते हैं, क्योंकि स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एनेलस इसमें प्रेजेंट रहते हैं, है ना। बॉडी सरफेस जो रहते हैं उस पर सेगमेंट्स मार्क रहते हैं। बॉडी सरफेस जो होते हैं अंदर से भी और बाहर से भी उसमें सेगमेंट्स बने हुए रहते हैं। समझ लीजिए इस बात को कि आपका ये बॉडी सरफेस कुछ इस तरह से है। मैं अंदर की बात करता हूँ, मैं बाहर की बात करता हूँ। ये जो अभी ये वाला है, ये मेरा बाहर है, ये मेरा अंदर है, है ना। तो ये अंदर से भी इस तरह से सेगमेंट्स में बटा हुआ है और बाहर से भी सेगमेंट्स में बटा हुआ है। जब वो इस तरह से सेगमेंट्स में बता होता है, अंदर से भी बाहर से भी, उसको अपन मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। एक्सटर्नली इंटरनली दोनों वो सेगमेंट्स में बटा रहता है, उसको अपन मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, है ना। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होती है इसके पास, विच हेल्प इन लोकोमोशन। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन इज नोन एज सीटे, सीटे। Longitudinal and circular muscles which help in locomotion is known as seta, यानी longitudinal यानी लंबाई में और circular muscles रहेगी, वो लंबी लंबाई में वो लंबी रहेगी और circular muscles रहेगी कुछ इस तरह से। वो आपकी muscles आपको locomotion में मदद करती है। इन muscles को हम seta के नाम से जानते हैं, है ना। Only aquatic annelid that is nereus has lateral appendages for swimming, यानी aquatic annelids में भी नेरिस में एक लेटरल अपेंडेज रहता है। लेटरल अपेंडेज रहना यानी इसके ये जो अपन ने देखा ये लॉन्गिट्यूडनल था लंबाई में, लेकिन अब इसके पास इस तरह से एक लेटरल अपेंडेज यानी इसके लेटे हुए, लेटरल यानी इस तरह से, लॉन्गिट्यूड यानी लंबा, लेटरिट्यूड यानी लेटा हुआ,
लेटरल अपेंडेजेस में उसके पास ऐसे मस्कुलर अपेंडेजेस रहेगी जो उसको स्विम करने में मदद करेगा, जो उसको स्विम करने में मदद करेगा। तो ये लेटरल अपेंडेजेस जो उसको स्विम करने में मदद करता है, ये एक्वेटिक एनलेट में ही रहते हैं, यानी नेरिस के अंदर ही रहते हैं, जिसको हम लोग पैरापोडिया के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग पैरापोडिया के नाम से जानते हैं। नोट कर लिया जाए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नीट के या एमसीक्यू बुक में या मॉक टेस्ट में भी पूछा जा सकता है कि लैटरल एक्वेटिक अपेंडेजेस इज ओनली प्रेजेंट इन, आपको ऑप्शन दिया जाएगा तो आपको नेरिस को टिक करना है, एक्वेटिक नेरिस है ना जी, या पैरापोडिया के बारे में आ सकता है कि व्हाट इज लैटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट इन नेरिस आल्सो नोन एज, तो उसको अपन दे सकते हैं, उसका नाम है, उसका रहेगा पैरापोडिया, है ना। तो ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया। Well-defined digestive and circulatory system मतलब उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में बड़ा वेल डिफाइंड है, एकदम प्रॉपर है, आपके इसके जैसा रूडिमेंट्री नहीं है। एक्सटर्नल डाइजेशन है इसमें भी, यानी सेल साइटोप्लाज्म का कोई संबंध नहीं रहेगा, एक हॉलो कैविटी जिसमें एंजाइम की बौछार होती है वो डाइजेशन को आपको कैरी फॉरवर्ड करेगा, है ना। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अभी पॉइंट को ध्यान से देखिए, पहले अपन ने देखा था एस्केल्मेंथिस में कि एस्केल्मेंथिस में एक्स्ट्रा इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, है ना, एस्केल्मेंथिस में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन आगे चलते हुए एनिलिड में इंटरनल भी होगा एक्सटर्नल भी होगा, इंटरनल भी होगा और एक्सटर्नल भी होगा। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी फीमेल के अंदर मेल स्पर्म छोड़ता है तो फीमेल के अंदर एक का फर्टिलाइजेशन होता है, और एक्सटर्नल यानी फीमेल एक बाहर छोड़ती है और मेल स्पर्म बाहर छोड़ता है तो उनका फर्टिलाइजेशन होता है, है ना। तो ये एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों पाए जाते हैं इसमें। एक्सक्रीशन जो होती है नेफ्रिडिया द्वारा होती है, एक्सक्रीशन जो होती है वह नेफ्रिडिया द्वारा होती है, और ऑस्मोरेगुलेशन में भी ये मदद करता है। पॉइंट को लिख लिया जाए, नोट करके रट लिया जाए, क्योंकि नोट नीट 2023 में ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक्सक्रीशन के ऑर्गन रिलेटेड प्रश्न आए थे कि एनेलिड्स में एक्सक्रीशन निफ्रीडिया द्वारा होता है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके एस्केल्मेंथिस में एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, है ना जी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन दोनों निफ्रीडिया द्वारा परफॉर्म किया जाता है, एक्सेप्ट अर्थवर्म, अर्थवर्म को छोड़ के सभी में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ा जाए, एक्सेप्ट अर्थवर्म ऑल हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अपन क्या कह सकते हैं कि अर्थवर्म हैज डायरेक्ट डेवलपमेंट, ये इसका मतलब डेवलपमेंट रहता है इस शब्द का। आप शॉर्टकट पे लिखा है थोड़ा सा, क्योंकि नोट्स में इसी तरह से लिखा जाता है जो कंसाइज नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो एक्सेप्ट अर्थवर्म ऑल हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ऑल हैव इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब यह है कि सभी प्राणियों में, एनिलिड्स के अंदर आने वाले सभी प्राणियों में अर्थवर्म को छोड़ के इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होनी होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का होना क्या रहता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का अर्थ यह रहता है कि उसमें एक लार्वल स्टेज रहेगी जो अडल्ट से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, कोई मेल नहीं खाएगी। तो अर्थवर्म के छोड़ के सभी में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, लेकिन अर्थवर्म में एक डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। नेरिस जो होता है वो डायोशियस रहता है, नेरिस जो होता है वो डायोशियस रहता है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखा जाए, डायोशियस रहता है यानी सेक्सेस आर सेपरेट, यानी मोनोसेक्सुअल, नेरिस इज डायोशियस दैट इज मोनोसेक्सुअल। अर्थवर्म और लीचेस जो होते हैं मोनोशियस रहते हैं यानी बायसेक्सुअल रहते हैं, नेरिस जो होता है डायोशियस या मोनोसेक्सुअल रहता है, डायोशियस या मोनोसेक्सुअल रहता है, लेकिन अर्थवर्म जो और लीचेस जो रहते हैं वो आपके मोनोशियस या बायसेक्सुअल रहते हैं, है ना जी। ये पॉइंट अपन ने कवर कर लिया। एनसीईआरटी के डायग्राम की मदद से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड दीजिए बस। ये आप देख सकते हैं किसमें इस तरह से आपके नेरिस के अंदर ये लैटरल अपेंडेजेस आप देख सकते हैं। इसको मैं अगर जूम करके बताऊं तो ये जो मैंने अभी सर्कल किया है
ये मैं बता रहा हूँ, ये इसके लैटरल अपेंडेजेस है जो इसको स्विमिंग में मदद करेंगे, नेरिस में, क्योंकि नेरिस ही एक्वेटिक एनिलिड है। इसमें आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन देख सकते हैं, इसमें आप मेटामेरिक सेगमेंटेशन देख सकते हैं, है ना जी। बस ये डायग्राम से अपन इतना ही बता सकते हैं। ओके, इसमें अपन देख सकते हैं कि जिस तरह से एनल सीटें जो अपने आपके मेल एस्केल्मेंथिस में थी, एनल सीटें जो आपके मेल एस्केल्मेंथिस में आना शुरुआत हो गई थी, अगर तो आप इसको थोड़ा सा मैं इधर करके दिखाऊं तो आपको ये यहाँ भी दिख सकती है, ये चीज आपको यहाँ भी दिख सकती है कि एनल सीटी जो थी, एनल सीटें आपके एस्केल्मेंथिस से आगे बढ़कर आपके एनेलिड ने भी उसको इनहेरिट किया है। डायग्राम अगर आप एनसीईआरटी का ध्यान से जूम इन करके देखें, तो मैं एनसीईआरटी का ही डायग्राम बता रहा हूँ, कहीं से भी डायग्राम नहीं बता रहा हूँ। इस डायग्राम को मैं अगर और जूम इन करूँ, ये है मेल एस्केल्मेंथिस राउंडवर्म। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक सा स्ट्रक्चर बना है जिसको मैं पेंसिल से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ये जो रहेगा ये अपना एनल सीटे, ये आपके एस्केल्मेंथिस में सबसे सर्वप्रथम पाया गया था। अपन अब वापस चलते हैं इस पे कि अपने मेल जो ये थे, अपने क्या बोलते हैं, मैं आपका मेल नेरिस में भी ये आप देख सकते हैं। अगर ये दिख रहा है तो आप क्या बोल सकते हैं कि गिवन स्ट्रक्चर जो है आपका मेल नेरिस है। पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये कैसी बिटवीन द लाइन वाली बात है। अगर इसमें एनल सीटें हैं तो आप बोल सकते हैं कि ये जो है ये आपका एक मेल नेरिस है, क्योंकि अपन ने अभी देखा कि नेरिस जो होते हैं मोनोशियस रहते हैं, तो नेरिस में आपका सेक्सेस सेपरेट रहते हैं, तो मेल फीमेल अपन डिस्टिंग्विशली पहचान सकते हैं, है ना जी। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। नेरिस होता है एक्वेटिक एनिलिड, फेरेंटीमा जिसको अपन अर्थवर्म के नाम से पहचानते हैं, हिरुडिनारिया जो आपके ब्लड सकिंग आपके लीचेस रहते हैं, इसकी ट्रिक मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। चलिए जी, तो एक बार आपको पॉइंट सब रिवाइज करा देते हैं कि एनेलिड जो थे आपके फ्रेश वाटर, मरीन वाटर में, फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर में, जमीन पे यानी ट्रिस्टल पे पाए जाते हैं, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक नेचर के रहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहती है यानी ऑर्गन सिस्टम रहते हैं उसमें पूरे, बायलेटरल सिमेट्री यानी राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो सकते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक रहती है यानी तीन लेयर एक्टोमीजोडर्म, मेटामेरिक सेगमेंटेशन रहते हैं, सीलम रहता है सबसे पहले, सीलम का आना इसी में आया था, सीलम का प्रेजेंस इसी में सर्वप्रथम पाया गया था, प्रेजेंस ऑफ स्मॉल रिंग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज एनलस, इसलिए इसको एनलेट कहा जाता है, बॉडी सरफेस जो होता है मार्क्ड आउट सेगमेंटेशन रहती है, इसको अपन मेटामेरिक सेगमेंटेशन के नाम से पहचानते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल विच हेल्प इन लोकोमोशन जो आपके सिर्फ आपके सीटे के नाम से देते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल, लेकिन अपन ने अभी जो देखा था वो एनल सीटे था। ये सीटे और एनल सीटे में बहुत फर्क है। एनल यानी अपना पिछवाड़ा का भाग, एनल इस शब्द का मतलब रहता है पिछवाड़ा, तो आपका जो ये जो एनल सीटे रहता है वो आपके पोस्टीरियर एंड पे पाया जाता है ऑर्गेनिज्म के, एस्केल्मेंथिस में भी देखा डायग्राम में भी, अपन ने नेरिस में भी देखा, और अपन ने पिछले एस्केल्मेंथिस वाले पॉइंट में देखा था कि ये जो सीटे था एनल सीटे वो मेल में पाया जाता था, फीमेल में पाया नहीं जा सकता, डायग्राम में भी आप जूम इन करके देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आपका मेल नेरिस में भी ये पाया जाता है, तो कि मेल आपका नेरिस जो था सेक्सेस सेपरेट है यानी वो डायोशिस मोनोसेक्सुअल है। तो ये भी पॉइंट अपन ने कवर कर लिया। लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल अपना विच हेल्प इन लोकोमोशन नोन एज सीटे, और जो पोस्टीरियर एंड पे पाए जाने वाले सीटे को हम एनल सीटे कहते हैं। एक्वेटिक एनेलिड यानी नेरिस में ही आपके लेटरल अपेंडेजेस रहते हैं जो अपन ने अभी देखे, जो आपको स्विमिंग में काम आते हैं उसको अपन पैरापोडिया कहते हैं। इन्हें अपन क्या कहते हैं, अपन लेटरल अपेंडेजेस जो स्विमिंग में काम आते हैं नेरिस को, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपन पैरापोडिया। एक्सटर्नल डाइजेशन है, वेल डिफाइंड डाइजेशन है और सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेफ्रिडिया के द्वारा ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम होता है। अर्थवर्म के अलावा सभी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, यानी सभी में एक लार्वल स्टेज रहेगा लेकिन अर्थवर्म में आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। नेरिस जो होता है डायोशिस रहता है यानी मोनोसेक्सुअल रहता है, और आपका अर्थवर्म और आपकी लीचेस जो होते हैं वो मोनोशिस या बायसेक्सुअल रहते हैं। एग्जाम्पल फेरेंटीमा, हिरुडिनारिया और आपके अर्थवर्म, जिसको अपन फेरेंटीमा के नाम से जानते हैं। नेरिस, फेरेंटीमा यानी अर्थवर्म और हिरुडिनारिया ब्लड सकिंग लीचेस। चलिए, तो इस तरह से अपन ने एनेलिड का लेक्चर खत्म कर लिया है। अगले लेक्चर में अपन ऑर्थोपोडा के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्थोपोडा जो होता है वो पढ़ेंगे, इसके संबंधित एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, और डाउट्स है तो डाउट्स पूछिए,
नोट्स निकालिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बताया उसको नोट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट जो आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जो मैंने डायग्राम जूम करके बताया, उसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। एक दूसरे से फाइलम लिंक्ड है, जैसे अपन ने अभी देखा एनल सेटे वाला पॉइंट, दूसरे से लिंक्ड है, इस तरह से अपन इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो बहुत ध्यान से सीक्वेंस में लेक्चर देखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जिस तरह से आप वेब सीरीज के सीजन में एपिसोड देखते हैं, बिना चुके पहला एपिसोड के बाद ही दूसरा देखते हैं, बीच में कोई भी एपिसोड खोलते भी नहीं है, उसके रिलेटेड शॉर्ट्स देखते भी नहीं है यूट्यूब या रील्स पे, तो भैया लेक्चर भी देखिए तो सीक्वेंस में लेक्चर देखिए तभी मजा है। चलिए, धन्यवाद आप सभी का आज के लेक्चर में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।